छाता नेशनल हाईवे नंबर 2 पर वैकमेट कंपनी के कर्मचारी रात को लगभग 9:30 बजे अपनी ड्यूटी करने के लिए आ रहे थे, तभी कंपनी के गेट नंबर 2 के पास अलार्म लगा हुआ था और कर्मचारी अपने ड्यूटी के समय से पहले ही आ गए थे। उन्होंने ठंड की वजह से अपने हाथ अलार्म पर सेकना शुरू कर दिया, तभी अचानक गलत दिशा में गुहारी की तरफ से एक तेज रफ्तार कार आई और अलार्म पर हाथ सेक रहे सभी कर्मचारियों को कार ने रौंद दिया। इस घटना की सूचना जैसे ही अन्य कर्मचारियों को हुई तो कंपनी में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारियों द्वारा गाड़ी चालकों का पीछा किया गया और उन्हें भागने का मौका न देते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने दोनों कार सवारों को पुलिस की सुपुर्द कर दिया। इस घटना में लगभग आधा दर्जन व्यक्ति घायल हो गए, वहीं 2 कर्मचारियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के संदर्भ में एक प्रत्यक्षदर्शी और वैकमेट कंपनी के अधिकारी दीपक गुप्ता ने जानकारी दी। क्या नाम है आपका? नाम है केयर सिंह। केयर सिंह जी, बताएं ये कंपनी कौन सी और इसमें आप क्या हो? ये वैकमेट कंपनी है, मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ इधर। मैं भी राउंड पर गया था, जैसे मैं राउंड लगा करके आ रहा था तो एकदम यहाँ से आवाज चिल्लाने की आवाज आई, मैं उधर से भगया, मैं बस ऐसा मेरे को आवाज़ सुनाई दी, मेरे गेट पर साथ को वो हो रहा दिखे जी, आकर के वहाँ देखा तो उधर एक्सीडेंट हुआ मिला। ये हमारी शिफ्ट क्या है, हमारी शिफ्ट मतलब जब तक शिफ्ट का टाइम नहीं होता है तो सब आदमी क्लोज होते हैं बाहर, जब क्लोज टाइम हो जाता है जब अंदर लेते हैं इनको टाइम होने से पहले। कुछ तो बंदे ड्यूटी के लिए आ गए थे, बाकी कुछ आने बाकी थे, वो उनके इंतजार में खड़े थे। उन दौरान परे से एक गाड़ी आई है, जो गाड़ी नंबर आपको लिखवाया है। क्या क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी नंबर है UP 85Y 7608। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी इंडिका है। अच्छा, इंडिका फिर, है फिर क्या हुआ? तो परे से आई, सीधे जो खड़े थे सीधी टक्कर मारी आकर के सीधी। तो कितने लोग घायल हैं? 6 आदमी घायल है। तो वो कहाँ भेज दिए गए? वो फिर नर्सिंग होम भेज दिए। और जो गाड़ी जिसमें गाड़ी वाले थे, गाड़ी सवार थे, वो कहाँ है? उसको पुलिस लेके थाना छाता। तो कितने लोगों को चोट आई? 6 को। साथ। तो कितने बजे घटना रही? ये घटना है लगभग 9:20 के। 9:20। हाँ, तो थाना पुलिस भी आई होगी? थाना पुलिस आई है, ऐसे बालियान साहब हैं वो जो लेकर गए उनको। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। कहाँ के रहने वाले? करेला। तो धर्मवीर बताएं क्या घटना हुआ? वहाँ पे जी हम ड्यूटी के लिए आए थे और वहाँ पे ताप रहे थे, जल्दी आ जाए, आध पौन घंटा जल्दी आ जाए। किस जगह पे? वहाँ पे कंपनी गेट के आगे। कौन सी कंपनी? वो वैकमेट। अच्छा, फिर? फिर वहाँ पे इधर से कोसी की साइड से गाड़ी आई और सभी लड़कों को पेल दिया, रोन दिया उनको। कितने लोग थे? 24। तो गाड़ी कौन सी थी ये तो देखना पड़ेगा, सेंटर जैसी कौन सी। तो कितने लोगों को चोट आई? करीब 10-15 लोगों को चोट आई। 10-15। तो आपने वहाँ देखा कि जो गाड़ी थी जिसमें लोग थे उन्होंने कोई शराब वगैरह पी रखी थी, क्या मामला हुआ? ये तो जी हम तो वहाँ पे गिर पड़े, पता और लड़कों ने बताया कि मतलब वो दारू फारू पी रखी है। गाड़ी रॉन्ग साइड थी क्या? रॉन्ग साइड थी गाड़ी। गाड़ी रॉन्ग साइड थी जी। तो कितने लोगों को चोट आई? 10-15 लोग हैं चोट आई। तो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया? प्रकाश में। हाँ, ब्रज नर्सिंग होम। ब्रज नर्सिंग होम कोसी कला में। कोसी कला में एडमिट किया गया जी। तो कितनी चोटें आई हैं व्यक्तियों, कुछ पता है कहाँ कहाँ के ये व्यक्ति हैं जो आपके साथ में कार्य करते हैं फैक्ट्री में? सांखी के हैं जी, हरिओम वे और फिर साई के हैं और कई हैं, छाता के हूँ एक दो लड़के। अच्छा, जो लोग थे उस गाड़ी से आए थे, वो गाड़ी थी तो कहाँ गए वो लोग? पुलिस आ गई मौके पर? नहीं, मौके पर नहीं आई जी पुलिस। तो हम उन कुछ लड़का ने मतलब पकड़ लिए, ड्राइवर पकड़ लिए, वो कनेक्टर पकड़, दोनों लड़का पकड़ लिए, कंप्लेन कर दी। दो लोग थे जे अभी ये मान। क्या नाम है? दीपक अग्रवाल। तो बताएं जो आपकी कंपनी में जो बैकमेट कंपनी है, आप उसमें किस पद पे हो? मैं फैक्ट्री मैनेजर, सीनियर मैनेजर वर्क्स हूँ। मुझे अभी 15 मिनट पहले ही मालूम पड़ा है कि जो शिफ्ट निकल रही थी उसको आने वाली शिफ्ट जो आ रही थी वहाँ पे कुछ बच्चे कंपनी से जो शिफ्ट को छोड़ करके जा रहे थे वहाँ पे वो लोग खड़े हुए थे, अलाप को ताप रहे थे, एक गाड़ी आई और उस गाड़ी ने उनको एक्सीडेंट कर दिया। जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ है कंपनी के सारे वर्कर्स वहाँ थे, उन सबको लेकर के हम लोग ब्रज नर्सिंग होम ले आए हैं।
वो गाड़ी भी पकड़ी गई है, जैसा बताया गया है कि पुलिस ने उस गाड़ी को अपने अंडरटेक कर लिया है। उसमें दो आदमी थे, उनको भी शायद गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे 6 आदमी इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत ज़्यादा गंभीर है, 4 थोड़े से कम हुआ है। पूरा उनका इलाज चल रहा है और उनके पूरे इलाज के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित। जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया था, जिस गाड़ी में वो बैठे थे, वो व्यक्ति कहाँ के बताए जा रहे हैं? ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन गाड़ी का जो नंबर बता रहे हैं वो UP 85 बता रहे हैं, या किसी ने फोटो वोटो भी लिया है, मुझे भी नहीं मालूम है। मैं तो सीधा ही इस बिरल नर्सिंग होम में आ गया हूँ कि वो पहले अपने जो आदमी चोट आई है, वो व्यक्ति कहाँ के? हाँ, वो उन लोगों वो सब आसपास के हैं, छाता सांखी रनवारी पिसावा, जैसा बताया गया। तो कितने बजे की ये घटना? ये अभी मुश्किल से 10:30 बज रहे, 9:30 बजे।